ब्लैक अच्छा है ये वाले। बूट ही है और क्या, तो साइज छोटे हैं लेकिन अच्छा लग रहा है। उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, ये बढ़िया है। तो ये अच्छे लग रहे हैं। कितने के भैया? एक बजम कर लेता हूँ भैया। ये कितने के? पांच नंबर मेरा साइज है। सिक्स नहीं है क्या? सिक्स देख लो, सिक्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं तो पहले से ही शुरू में बना पड़ा है। व्हाइट गंदे बहुत जल्दी होते हैं। ये साइज ठीक है क्या? साइज ठीक है ये वाला? दूसरा ट्राई भी करके देखो। ऐसे नहीं नहीं, कार निकल रही है। साइज तो सही है। ये साइड लुक बहुत प्यारा है इसका। नहीं, साइज सही है बिल्कुल। नहीं देख लो, ये दोनों बिल्कुल सेम तो है। सेम तो है बिल्कुल। वो अलग अलग शूज में लगता ही है ऐसे। भैया देखो मेरे लिए शूज कलर देख लो। वाइट में ये वाइट है। मैंने ये वाला चूज किया है। ये बच्चे जैसे लग रहे हैं छोटे छोटे। हील वाले बहुत शूज शूज निकला। आप इनमें देखो ना कितने प्यारे हैं। लॉफर है ना? कितना नंबर है? 9 नंबर है। क्या लग रहा है? मेरे इसमें छोटी से ये वाला चप्पल देखो। ये तो बहुत अनकंफर्टेबल चप्पल है। कौन लेगा? ब्लू भी नहीं। वो वाला सबसे अच्छा लग रहा है। सोबर सा कितने का भैया? ये अच्छा भैया जो वो उस पे लग रहे हैं ना डोर पे,
वही है ना, इन्हीं के साइज आए वो। हाँ, इन्हीं के साइज थे। और जो साइड में लगे वो भी। हाँ, सब उन्हीं के साइज। वो ग्रास पे लग रहे हैं जो उस पे। हाँ, सब उन्हीं के साइज। देखो आप देख सकते हैं उधर भी, उधर एक भैया मुझे दिखाओ कौन सा है। ये तो लुक वाइज अच्छा है, लोकल ब्रांड है ये, स्पार्क्स का बढ़िया रहता है, अच्छा कंफर्ट है लुक। ये कंफर्ट नहीं है ब्लैक वाला, नहीं कंफर्ट नहीं रहेगा, देखते ही देखते। ये वाला अच्छा है, स्पार्क्स का तो बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल है। हां हां, कलर तो अच्छा है इसका, सोबर सा कलर। तो ये डन है निखिल? ये बहुत सुंदर है। हाँ, रियल एडिडास है, क्लासिक वो लुक वाइज अच्छा लग रहा है। लेकिन उसका क्या प्राइस है भैया, वो आपके पास जो ये ना, ये वो लेकिन वो पहन के नहीं आओ ना, वो इंडियन ब्रांड नहीं है क्या? इंडियन ब्रांड है ये भी, हुआ है तीन घर में जूते चप्पल रखने की जगह ही खत्म हो गई। आज शॉपिंग कर रही है जोरों से, अब सूट वगैरह कर लिया था, वहाँ दिखा नहीं पाए, अब अभी चूड़ी वगैरह ले रही है तो यहाँ दिखा रहे हैं। यही कलर है क्या अब ली? ग्रीन सब पे रहेगा है जरा एक बार, ये अच्छा लग रहा है भैया, सुंदर है ये बहुत। मुश्किल है बताना, जो पहन रखा है भी अच्छा लग रहा है काफी। इसके लिए ना कितनी अच्छी वो शॉप पे, कितने प्यारे प्यारे आइटम्स आ रहे हैं, बाप रे। यहाँ पे थे निकले ब्लेजर और वो काफी सुंदर सुंदर नहीं। तो गाइस ये है गोल बाजार, जहाँ से मैंने अपनी शॉपिंग कर ली है आज, देख सकते हैं आप। भीड़ भड़का था तो इसलिए व्लॉग नहीं बना पाए। हाँ, और बहुत भीड़ थी, कहीं कहीं पे बनाया है जहाँ पे जरूरी था। तो गाइस गुड इवनिंग सबको, एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ, व्लॉग तो शुरू पहले हो गया था लेकिन मैं सामने नहीं आई, निखिल कुछ दिखा रहे थे सैंडल वगैरह सूट वगैरह जो। तो आज हम आए थे शॉपिंग करने, और आज है हमारे लिए स्पेशल डे, जो निखिल बताएंगे क्या है। निखिल आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बब्बी। तो इस बात पे नैनू आज स्कूल भी नहीं गया गाइस, नैनू ने पूरा पूरा फायदा उठाया, बोला कि आज गोल बाजार जाऊंगा, नुकसान और कर लिया। तो ऐसा एक दोनों ने एक दूसरे के लिए कोई सरप्राइज नहीं रखा था हमने एक्चुअली, तो मैंने कहा निखिल आप मेरी तरफ से कुछ ले लो, मैं आपकी तरफ से कुछ ले लेती हूँ, तो शॉपिंग करने चलते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि चलो, बबली ने ड्रेस ली, सैंडल्स ली, मैंने भी शूज लिए, ननू ने भी शूज लिए, और तो निखिल ने मेरी तरफ से जैकेट लिया, शूज लिया, और मैंने निखिल की तरफ से साड़ी ली, सूट ली, सूट लिया, साड़ी लिया, सैंडल लिया, बहुत सारी शॉपिंग की, जो कुछ कुछ आपको दिखाई थी, कुछ कुछ वो अलाउ नहीं कर रहे थे शॉप में कि नई वीडियो मत बनाइए मैम ये वो। तो फिर आपको घर जाके दिखाऊंगी मैं कि मैंने क्या लिया। और अभी हम निकल गए हैं, लेट हो गया, 8 बज गया हमें, तो डिनर अभी बाहर नहीं जाएंगे करने के लिए क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा वरना जाएंगे, इसलिए ऑर्डर कर दिया है, इसलिए हमने खाना ऑर्डर कर दिया है जो घर पे आ जाएगा हमारा, या पिक करते हुए जाएंगे क्या? नहीं नहीं, घर पे ही आएगा। हाँ तो घर पे आ जाएगा। तो गाइस बस आज का दिन हमने ऐसे ही सेलिब्रेट किया अपना, ठीक है, मतलब शॉपिंग करके मुझे सबसे ज्यादा तभी अच्छा लगता है तो। बबली को गोल बाजार में घूम घूम के शॉपिंग करना और भी पसंद है। हाँ, क्योंकि अब मैं गोल बाजार में मुझे कोई गिफ्ट में ज्वेलरी लेना या ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं है, शॉपिंग करना पसंद है, कपड़े की, सैंडल की, कपड़े की, जो भी, और वो भी घूम घूम के खुद। तो बस ऐसे ही मैम करके आए हैं,
तो ठीक है, काफी इंजॉय भी किया और काफी शॉपिंग भी हो गई है, तो घर जाके दिखाएंगे आपको और वहीं पे हमारा खाना आ जाएगा। और केक कट तो शायद नहीं करेंगे, नहीं करेंगे निखिल। कर सकते हैं, देखो निखिल केक तो अभी रास्ते में लेना पड़ेगा ना, क्योंकि पहले ऑर्डर नहीं किया था, वैसे लेके जाएंगे। या केक रहने देते हैं, मुझे ना अच्छा नहीं लगता वैसे। नहीं, केक छोटा वाला लेंगे ना, वो तो हम वैसे भी लेते हैं। हाँ, वैसे भी लेते रहते हैं, पेस्ट्री तो वैसे भी लेते हैं, छोटा केक लेंगे। तो गाइस शायद अभी केक भी लिया जाएगा जो मैंने याद दिलाया, और लेकिन हाँ मेरी याद नहीं दिलाया, मैं अब मैं सोच रहा था यही सरप्राइज रखते ताकि उस टाइम केक लेता, लेकिन अब वो भी ले। सरप्राइज आजकल हस्बैंड वाइफ से कुछ नहीं रख सकते, क्योंकि पसंद से लेते हैं देखो सब लोग अपनी, क्योंकि सरप्राइज रख दो फिर पसंद नहीं आई तो ऐसा कुछ भी नहीं था हमारे में। मैंने कहा आपकी सरप्राइज कुछ मत रखना, जो मुझे पसंद आएगा वही मैं लूंगे, तो बस ठीक है, जो मुझे पसंद आया वो निकलने दिला दिया। तो चलते हैं घर पे और जाके दिखाएंगे आपको। फ्रूट चले गए इनके पीछे, गाइस फ्रूट्स भी ले लेते हैं। फ्रूट्स देखो अभी तक भी मैंगो आ रखे हैं, नहीं सर्दी में भी आया मैंगो है निकल, लेकिन ये कौन से मैंगो, पाकिस्तानी मैंगो है शायद, ये बाहर से आए हैं और फ्रूट तो अच्छे रखे हैं भैया ने। देखो ये किन्नू है भैया, ये किन्नू है ना, कैसे आम, आम कौन सा है, आम कौन सा है, क्या रेट है? ओ निकल, लेकिन वो उसमें टेस्ट नहीं होगा। दो पीस ले लेता है, मन कर रहा है दो पीस ले लो। और वो लेंगे हम लोग, तो गाइस यहाँ से एक बार ले लेते हैं फ्रूट। आम 200 रुपए किलो निकल, इतने महंगे हैं भैया। मीठे हैं क्या? मीठे हैं ना, कैसे दो पीस में ये किलो हो गए। हाँ ऐसे ही है, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बाहर से है ना? नहीं नहीं इंडिया का ही है, बाहर से नहीं है। और क्या लेना है? किन्नू नहीं, ऑरेंज ऑरेंज ले लो। तो ऑरेंज कैसे है? संतरा 70 रुपए। अच्छा एक किलो कर दो किन्नू। हाँ ये सही है। तो गाइस हम लोग घर पे पहुंच गए हैं और मैं जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या शॉपिंग किया है। कुछ ज़्यादा नहीं किया है और लेकिन फिर भी दिखा देते हो आपको। तो मैंने लिया है ये वाला ड्रेस, एक ये सूट है जो देखिए, ये वाला सूट लिया है एक मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। नायरा नहीं है ये, हाँ नायरा बोल सकते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का नायरा है, विद पैंट एंड दुपट्टा है ये। ये देखिए ऐसे, ये वाला कॉलर का बहुत प्यारा लगा मुझे, कलर एंड डिज़ाइन, और दुपट्टा भी इसके साथ है। एंड ये मैंने साड़ी ली है, ये देखो ये वाली डोरा सिल्क साड़ी, तो मुझे बहुत पसंद आई। एंड और मैंने निखिल को दिलाई ये वाली जैकेट, ब्लैक कलर की, जो आपको अच्छे से दिख नहीं रही है। ये वाली जैकेट जो निखिल ने अपनी पसंद से ली है, तो ये भी अच्छी है क्योंकि हमारे वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो वहाँ पे यूज़ हो जाएगी है अगर हम जाएंगे तो। अच्छे हैं निखिल, तो ये जैकेट ले ली। और जल्दी से दिखा देती हूँ शूज, ये वाले शूज जो हैं, तो ननुआ के हैं शायद, ये नैनू के शूज हैं, ये देखिए नैनू के शूज भी प्यारे हैं, ये नैनू के शूज हैं। और आपके भी ऐसे हैं ना? हाँ मेरे भी थोड़े ऐसे ही हैं। हाँ और एक दो नायरा और लिया है, बस दो नायरा लिया था है ना, एक एक और नायरा। लेकिन थोड़ी भीड़ थी ना, और वो जहाँ पे ड्रेस ले रहे थे वहाँ पे व्लॉग बहुत मुश्किल था बनाना, और मतलब वो अलाउ भी नहीं कर रहे थे। हाँ वो बनाने नहीं देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका डिजाइन चुरा लेंगे हम, पता नहीं कहाँ। पर हमें ये नहीं पता कि ये उनका डिजाइन, ये तो फैक्ट्री का डिजाइन है। तो हमने नहीं बनाया कि चलो, ऐसे मन भी नहीं करता है। तो ठीक है फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू।